हेलो फ्रेंड्स, सेम केश की बिज़नेस की दुनिया में आपको स्वागत करता हूँ। और फिर से मैं आपको सेम केश बिज़नेस की ऑफिशियल चैनल में स्वागत करता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज हम जानेंगे सेम केश से रिचार्ज कैसे करनी है मोबीक्विक की द्वारा। तो सबसे पहले हम चलेंगे प्ले स्टोर में। यहाँ मेरा प्ले स्टोर है। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे MOVI मोबीक्विक। ये मेरा मोबीक्विक आ गया है, इसको हम इंस्टॉल कर लेना है। तो ये इंस्टॉल हो गया है, अभी ये ओपन दिखा रहा है। तो हमें ओपन नहीं करनी है, ओपन करना है। तो ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर और OTP कुछ पूछेगा, तो OTP आपको दे देनी है। तो मेरा पहले से रजिस्टर्ड किया हुआ है, तो इसलिए ये दरकार नहीं पड़ेगा। तो हमें अभी जाना है सेम केश में। सेम केश में गए हैं, उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे और इनकम जंक्शन में क्लिक करेंगे। इनकम जंक्शन में शॉप एंड आर्न आएगा, वहाँ से मोबीक्विक में जाना है। ध्यान रखिएगा, आपको सेम केश से ही मोबीक्विक में जाना है और ना आपको पेमेंट्स नहीं मिलेगा। तो मोबीक्विक में क्लिक करेंगे। मोबीक्विक में क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारा का सारा डिटेल्स लिखा हुआ है, कितने पे कितना डिस्काउंट हमें मिलती है। तो रिचार्ज एंड अर्न बाय मोबीक्विक, उसमें क्लिक करते हैं। तो ये हमारा मोबीक्विक ऐप्स में डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, मेरा मोबीक्विक का ऐप्स मेरा फ़ोन में पहले से इंस्टॉल था, इसलिए ये मोबीक्विक में चला आया। तो अभी हम यहाँ पे या नीचे देखिए, रिचार्ज बास ऑफर स्टोर्स वॉलेट लिखा हुआ है, तो उसमें रिचार्ज में क्लिक करेंगे। रिचार्ज में क्लिक करने के बाद सपोज़ मेरे को अभी पोस्टपेड का बिल भरनी है, तो पी के कैटेगरी का कर देता हूँ, उसमें मोबाइल क्लिक कर देता हूँ। और अभी यहाँ पे देखिए प्रीपेड पोस्टपेड, तो मैं अगर आपका सिम प्रीपेड का हो तो प्रीपेड का सिलेक्ट करिए, चुनिए, और पोस्टपेड का हो तो पोस्टपेड सिलेक्ट करिए। तो मेरा मोबाइल मान लीजिए प्रीपेड है, तो प्रीपेड का मोबाइल मेरा है 9854। हाँ, हो गया। अभी ये एयरसेल आशम ऑटोमेटिक हो गया है। अभी मेरे को सपोज़ 10 रुपये की रिचार्ज करनी है, तो मैं रिचार्ज पे क्लिक करता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद मैं एक पेमेंट पे क्लिक करूँगा। मेक पेमेंट के बाद आपको दिखाएगा रिचार्ज सक्सेसफुल, क्योंकि मेरे पहले से मोबीक्विक में बैलेंस था, ठीक है। तो आप लोगों का शायद मोबीक्विक में बैलेंस नहीं होगा, तो इसमें आपको जब सेम केश से जब आपको यहाँ पे आएंगे तो वॉलेट में क्लिक कर देनी है। और वॉलेट में क्लिक करने के बाद आपको ऐड मनी पे क्लिक कर देनी है। एड मनी पे जितने का आपको प्रीपेड या पोस्टपेड का बिल भरनी है या प्रीपेड का रिचार्ज करनी है, वो पेमेंट यहाँ पे डालेंगे। जैसे 250 मेरे को ऐड करनी है। और यहाँ पे आपका कार्ड क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट करनी है, और न्यू क्रेडिट कार्ड, जैसे मेरा पहले क्रेडिट कार्ड सेव हुआ था, तो इसमें हम कार्ड नंबर डालेंगे, जो भी हो आपका कार्ड नंबर 4591 जो वीसा का है। यहाँ पे आपको डालना है कार्ड का एक्सपायरी जो है 05/28 कर देता हूँ, और CVV डाल देता हूँ, और पे नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये मैं एक डेमी के लिए आपको सिखाने के लिए मैं कार्ड नंबर गलत डाल के दे दिया। तो आप सही नंबर डालेंगे और सही नंबर पे आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपकी जो मोबाइल जो SBI का कार्ड हो या किसी भी बैंक का कार्ड हो, उस बैंक में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसी नंबर पे आपका OTP आएगा। OTP को डालने के बाद आपको कंफर्म करनी है और पे नाउ पे क्लिक करनी है, उसके बाद आपके वॉलेट में पैसा चला आएगा और वहाँ से आप बिल पेमेंट पास बुकिंग कुछ भी कर सकते हैं, और उसे करते हुए आप इनकम भी कर सकते हैं।
तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा है आपको तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। और मैं आखिर में ये बोलना चाहूँगा कि चैमकेश की सभी अपडेट्स, रिक्वायरमेंटेड अपडेट्स मैं इस चैनल में अपडेट करता रहता हूँ, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो आने तक खुश रहिए। इसी उम्मीद के साथ विदा लेता हूँ, आपका अपना साथी और चैमकेश बिजनेस का होल्डर जहांगीर। जय चैमकेश।